नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं रिस्पोंड से। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है राजधानी पटना से सटे रूपसपुर में, जहां पुलिस कांस्टेबल को अगवा कर लिया गया है। क्या हो रहा है बिहार में? लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है पटना से सटे रूपसपुर से, जहाँ पर पुलिस कांस्टेबल को ही अगवा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना नंबर की प्लेट की बोलेरो से आए थे अपराधी और पुलिस कांस्टेबल को अगवा करके चल दिए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती तौर में 8 साल तक एसटीएफ में पोस्टेड थे पुलिस कांस्टेबल शशि भूषण सिंह पुलिस बिहार पुलिस में बतौर कांस्टेबल BMP-5 में मौजूदा वक्त पर कार्यरत थे और रूपसपुर इलाके से उन्हें अगवा कर लिया गया है। फिलहाल रूपसपुर थाने में किडनैपिंग की प्राथमिकता जो है वो दर्ज कर ली गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार पुलिस के कांस्टेबल को अगवा कर लिया गया है दिन दहाड़े राजधानी पटना से सटे रूपसपुर में। तो कुल मिलाकर कहें कि लगातार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी भी है जो है वो हमलावर है। ये कह रही है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया। इसी कड़ी में आज दिन दहाड़े पटना में पुलिस कांस्टेबल का अगवा हो जाना। फिलहाल अभी तक जो अगवा पुलिस कांस्टेबल हैं शशिभूषण सिंह, उनको बरामद नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस ने किडनैपिंग का केस जो है वो रूपसपुर थाने में दर्ज कर लिया गया है और लगातार जो है वो पुलिस छानबीन कर रही है। आखिर जो अपराधी है बिना नंबर प्लेट की ब्लोरो से कार से आए थे, वो कहाँ गए, किधर गए, अभी तक किसी को पता नहीं है। हालांकि पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजधानी पटना में ही दिन दहाड़े पुलिस कांस्टेबल को अगवा कर लिया जाता है और किसी को पुलिस एक तरह से कह सकते हैं अगवा कर लिया जाता है, और काफ़ी वक्त जो है कि अब रात का वक्त होने को है, लेकिन अभी तक बरामदगी जो है वो पुलिस कांस्टेबल शशिभूषण कुमार की अभी तक नहीं हो पाई है। बहरहाल लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, सरकार को घेर रही है, सवाल पूछ रही है कि कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर बिहार में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर बिहार पुलिस के कांस्टेबल शशिभूषण को अगवा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में वो BMP-5 में पोस्टेड थे। बीते 8 सालों तक उन्होंने अपनी सेवा जो है वो एसटीएफ में भी दी है। तो कुल मिला कहें कि 23 तरार कांस्टेबल थे शशिभूषण और उनको अगवा कर लिया गया है। फिलहाल अभी तक शुरुआती दौर में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, आखिर क्यों उन्हें अपराधियों ने अगवा किया है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई पारिवारिक मामला था, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस थाने में किडनैपिंग का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है और पटना पुलिस जो है उनकी बरामदगी के लिए लगातार जो है वो छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाई है और न ही जो है जो अगवा किए गए पुलिस कांस्टेबल हैं उनको बरामद किया जा सका है। लेकिन बहरहाल कुल मिला कहें कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भयावह होती जा रही है। क्राइम जो है वो एक तरह से बढ़ गया है पहले के मुकाबले। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।